बड़ा ही सुंदर दिन, परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग गोपाष्टमी ऐसे शुभ अवसर पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का शब्द। गोपाष्टमी के विशेष में आपको बताऊं तो आज के ही दिन, आज के ही इस शुभ दिन में भगवान को गाय चराने के, भगवान इससे पहले गायों को चराते थे लेकिन छोटे छोटे गाय के, गाय को नहीं चराते थे, उनके बच्चों को चराने के। पर आज के ही दिन भगवान गाय को लेकर जंगल में, गोवर्धन में, वृंदावन में गाय चरा, बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहते हैं जब भगवान गायों को लेकर निकल रहे थे, क्या कहते हैं कि जब भगवान गायों को लेकर निकल रहे थे तो माता यशोदा दौड़ते दौड़ते आती, कृष्ण 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 रुको रुको रुको, क्या हुआ माता? तो कृष्ण ये जूते पहन लो। कृष्ण कहते हैं माता मुझे जूते नहीं चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं कि माता मुझे जूते नहीं चाहिए। अरे जूते नहीं चाहिए क्यों कृष्ण? जूते पहन लो, तुम्हें रास्ते में क्या होगा, कंकड़ गल जाएंगे, तुम्हारे पाँव में कांटे चुभ जाएंगे। कृष्ण प्लीज तुम ये क्या करो, जूते पहन लो। हमें भगवान कहते हैं कि माते हम गोपाल हैं। क्या है? गोपाल हैं। और गोपाल मतलब गायों का पालन। गोपाल किसे कहेंगे? जो गायों का पालन पोषण करता है उसे गोपाल कहा जाता है। जो गायों का पालन पोषण करता है पाल कहा जाता है। और हमारा मुख्य कर्तव्य है क्या कि हम गायों का पालन ना हिमाते, हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम गायों का पालन पोषण। अब आप बताओ जब हमारी 9 लाख गाय, कितने गाय, हमारी 9 लाख गाय बिना चप्पल के चल रहे हैं, बिना जूते का चल रहे हैं, माता हम मैं कैसे मतलब पहनूंगा? माता अगर तू मुझे चप्पल पहनाना चाहती हो, जूता पहनाना चाहती हो तो पहले 18 लाख जोड़े जूते बनवा। क्यों? गायों के तो 4 पांव होते हैं ना, गायों के तो 4 पांव होते हैं और 4 पांव में 2 जोड़े जूते चाहिए। एक गाय को 2 जोड़े जूते, हमारे पास 9 लाख गाय है तो हमें 18 लाख जूते चाहिए। 18 लाख जोड़े जूते चाहिए तब फिर माता मुझे मेरे चरणों में जूते दे। बड़ी अद्भुत अद्भुत बात कही। और आज मैं बड़ा ही दुख का विषय हूं जिस गाय के पीछे भगवान नंगे पांव दौड़ा, इतनी दिव्य गो माता को लोग मार कर काट कर। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु काजी से मिले और कहा काजी काजी तुम दूध किसका पीते हो? पहले तो कुछ दिन मैं माता का दूध पिया और फिर कुछ दिनों बाद उसके बाद मैं गाय का दूध पीने, क्या कहते हैं कि उसके बाद मैंने गाय का दूध पिया। तो तुम्हें जो पहले ने पिलाया, पहले कुछ दिन पिलाया, वो कौन थी? तुम्हारी माता थी। तुम्हारे जीवन पर जो तुम्हें गाय दे रही, वो तुम्हारी माता नहीं है? जी कहते हैं दूध देने वाली माता है। और अन्न अन्न कैसे खाते हो? कहते हैं बैल के द्वारा खेती की जाती है, खेती से गेहूं होता है, गेहूं से मैं रोटी खाता हूं। अन्न जो देता है वो पिता हो, तो गाय जो दूध पिलाती है वो माता और जो अन्न देवे वो पिता। तो माता पिता मारी खाबो ये कोना बड़ा धर्म? इसे माता पिता को मार कर काट कर खा जाना ये कौन सा बड़ा धर्म है बताओ? काजी का दिमाग तुरंत नियम लागू किया, फतवा लागू किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति गाय को नहीं। दूसरा निर्णय लिया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन वालों करने वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और स्वयं बहुत बड़ा भक्त, इतना बड़ा भक्त बन गया कि जिनका अंतिम संस्कार साक्षात चैतन्य महाप्रभु। ऐसे अद्भुत अद्भुत है।
गाय की अद्भुत महिमा, बड़ी अद्भुत महिमा, बहुत ही अद्भुत। हमारे शिक्षा गुरु इस कृष लाल गोविंद प्रभु कहते हैं क्या कि आप इस जीवन में भक्ति कर रहे हो, हम इस जीवन में भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम फास्ट, क्या चाहते हैं कि यदि हम चाहें कि हम फास्ट तुरंत भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये भजन भक्ति ये साधना हमारा तुरंत कैसे, मतलब क्विकली कैसे एक्टिव हो जाए, कहते हैं क्या मैं गो सेवा करूं। हम गो सेवा करेंगे, ये भजन ये भक्ति ये साधना हमारा क्या होगा, तुरंत एक्टिव मोड में हो जाएगा। एक्टिव मोड मतलब समझ लें, देखिए हम अभी तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि श्री हरिदास ठाकुर कितने राउंड जप करते थे। श्री हरिदास ठाकुर 300,000 बार हरिनाम जप करते थे, और इसे जप करने में कितना समय चाहिए जानते हैं आप? इसे जप करने में कम से कम 22 घंटा चाहिए। ये जो हम श्रवण ये भक्ति इत्यादि कर रहे हैं, इसको यदि बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाय की सेवा करेंगे, ये भजन ये साधना ये श्रवण कीर्तन आदि हमारा मजबूत हो जाए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए गाय की सेवा आज तो बड़ा दुख का विषय है, ऐसे गायों को जिसके पीछे हमारे भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंगे पांव दौड़ा करते थे। देखिए भगवान गाय चराने जा रहे हैं, क्या पांव में जूते हैं? नहीं है। ऐसे भगवान जो साक्षात करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के अधिपति हैं, शास्त्र शास्त्र लक्ष्मी के नाथ हैं, ऐसे भगवान जिस गाय के पीछे नंगे पांव जाते थे, जिनकी सेवा करते थे, क्या यदि हम उस गाय की सेवा करेंगे तो भगवान हमके प्रसन्न नहीं होंगे? अफकोर्स प्रसन्न होंगे। और यदि हम उस गाय को दुख देंगे तो क्या भगवान हमसे दुखी नहीं होंगे? बिल्कुल। इसलिए गाय की सेवा, गाय की सेवा बड़ी 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 मुख्य बात, बहुत ही। अब जितना गाय की सेवा करेंगे उतना ये हमारा भजन ये शक्ति ये श्रवण हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मजबूत होता। इसलिए भजन करिए, गाय की सेवा करिए, गाय की सेवा। आज के युग में तो थोड़ा टफ हो गया है गाय की सेवा करना, क्योंकि आज काफी शहरों में गाय को रखना अलाउड नहीं है। आप कुत्ते को रख सकते हो, कुत्ते की सेवा कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। गाय की सेवा किए बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत नीचे किस्म का व्यक्ति है ये, क्या इसके पास बात करोगे, क्या गुजरा व्यक्ति है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति थोड़ी अच्छा व्यक्ति होता है ना। कुत्ते की सेवा करो, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गाय बड़ा ही सुबह बहुत ही शांत। और आप देखेंगे कि संसार में यदि मैं आपको बताऊं तो जब पूरी पृथ्वी दुखी हो गई कंस के अत्याचार से, जब ये पूरी पृथ्वी दुखी हो गई, आपको यदि ध्यान हो, यदि आपने कृष्ण जन्म की कथा सुना है अच्छे से, तो ये जो पृथ्वी है ये गई किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। और उस समय जाने के बाद वो कैसे गई हैं? कैसे गई, कहते गाय का भेष लेकर गई। गाय का वेश लेकर ही क्यों गई, अब गाय का वेश लेकर ही क्यों गई बताइए, अब लोग इन्हें को याद है वो कथा, गाय का वेश लेकर क्यों गई? श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का पहले अध्याय का 17वां श्लोक, क्या गोभूत्वा अष्टमुखी हिन्न क्रदंती करुणाम्बिगु उपस्थिता अंतिके तस्मे वेशनम संपोचत। गो भूत्वा मतलब गाय बनकर गई पृथ्वी, अश्रुमुखी आंखों में अश्रु भर कर गई। क्यों? उस समय देवी पृथ्वी, लिखा गया कि उस समय देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई, गो भूत्वा अश्रुमुखी, और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। क्यों?
क्योंकि गाय का रूप इसलिए लिया क्योंकि 84 लाख योनियों में गाय ही एक ऐसा पशु है जिसे देखकर हमारे हृदय से स्वाभाविक दया निकल। गाय ही एक ऐसी सुदोषा और दया। अब देखिए एक चीज और, देखिए ध्यान दीजिए कि इस संसार में आप देखिए कि भगवान से मतलब भगवान को पहचानने में, कृष्ण को पहचानने में दो लोगों ने गलती की, दो बड़े बड़े देवताओं ने गलती की। किसने? एक इंद्र ने और एक ब्रह्मा जी ने। किसने किसने गलती की? एक इंद्र ने गलती की और एक ब्रह्मा जी ने गलती की। हालांकि इंद्र का गलती बहुत ही बड़ा गलती था, बहुत बड़ा गलती जो क्षमा करने लोग योग्य नहीं था। ब्रह्मा जी की गलती बहुत बड़ी गलती नहीं थी। तो थोड़े कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज तो खैर कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुनाया, खूब डांटा। अब जानते हैं इसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा भगवान ने किया? इसके पीछे क्या राज है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान क्या भेद करते हैं? ना, भेद नहीं करते भगवान। फिर ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि इंद्र जो थे, जब उन्होंने देखिए, अब गलती देखिए दोनों का, तो इंद्र ने भगवान को मारने का प्रयास किया, इंद्र ने भगवान को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अब भाई चलो कंफ्यूज हो गए तो लेके चले गए गाय को, वो एक अलग बात है, लेकिन वो गुरु के शरण में गए और उनको गुरु ने आज्ञा दी क्या कि तुम जाओ और सुरभि गाय को लेकर जाओ, गाय को लेकर जाओ। भगवान बहुत क्रोधित है तुम पे, बहुत ही क्रोधित है, लेकिन तुम जैसे ही गाय को लेकर जाओगे भगवान तुरंत शांत हो जाएंगे, तुरंत शांत हो जाएंगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए जैसे ही गाय को लेकर आए इंद्र, तुरंत बोलो इंद्र क्या हाल है, कैसा चल रहा है, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? और जब ब्रह्मा जी आए उस समय भगवान बहुत डांटे, तुम्हारी तीन तीन खोपड़ी अभी तक दिमाग नहीं आई तुम्हारी, चारों वेदों का ज्ञान मैं तुम्हें दिया, ऐसा कौन सा ज्ञान है बताओ जो मैंने तुझे नहीं दिया, और फिर भी मूर्खता कर बैठते हो तुम, इतनी बड़ी गलती कर बैठते हो तू, ये अलग बात है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बता रहा हूं कि गाय के उसने शिलाप्रपात कहते हैं, इस पृथ्वी पर आप लाखों करोड़ों यज्ञ कर लो विश्व शांति के लिए। देखो ये रियलिटी है, आप ये मत सोचो कि शिलाप्रपात ऐसे ही बोल रहे हैं, रियलिटी है। आज विश्व में शांति नहीं है, कहीं पे महामारी है, कहीं पे विश्व युद्ध है, कहीं पे लड़ाई चल रही है, लेकिन शिलाप्रपात कहते हैं कि यदि आपको इन महामारियों को, इन विश्व युद्धों को रोकना है, नहीं इस आपातकाल को रोकना है, सूखे को रोकना है, आप विश्व शांति हेतु यज्ञ मत करो, आप विश्व शांति हेतु नारे मत लगाओ, आप विश्व शांति हेतु अलग अलग एनजीओ बनाकर इधर उधर मत जाओ, आप सिंपली क्या करो, गाय को काटना बंद करो, गाय को काटना बंद करो, इस पृथ्वी पर कभी भी दुख नहीं, बस गाय को काटो। उसके अभी गाय को काटना बंद नहीं करते हो और लाख नारे लगा लो, करोड़ों नारे लगा लो, करोड़ों विश्व शांति हेतु यज्ञ कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी फायदा नहीं। इस पृथ्वी पर तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक गाय का एक बूट भी खून इस पृथ्वी। तो ऐसे ही गाय की अद्भुत महिमा, बहुत ही हमें चाहिए कि जब भी हमें समय मिले, क्योंकि तो आज शहरों में गायों को पालना अलाउड नहीं है, लेकिन जब भी समय मिले तो हम गौशाला जावें, गौशाला में जाकर दान देवें और गाय की सेवा करें। दान देने की भी बड़ी महिमा है, इससे जब समय मिले आप दान दीजिए। इस्कॉन के बहुत सारे गौशाला है जहाँ पे गायों की बहुत सुंदर सेवा की जाती है, आप वहां जाइए। ठीक है, जय कृष्ण।